श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि. आरंभத்துல இந்த சொல்ற जो प्रारंभ में कहते हैं वेदांत देशिक जी का एक तनियन श्लोक, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इतना बड़ा महाविद्वान 750 साल पहले विराजमान रहे और एक अपार ज्ञान, इस विषय में ज्ञान है, इस विषय में ज्ञान नहीं है ऐसा ना हो, ऐसा एक सर्वज्ञत्व इस दुनिया में प्राप्त हुआ था तो वो वेदांत देशिक जी के लिए ही था, ऐसा बोल सकते हैं. इतना अत्यद्भुत ग्रंथ है जिसे समझने के लिए हम लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं है. ऐसे ग्रंथों का निर्माता सरलता से स्तोत्र ग्रंथों के माध्यम से छोटे छोटे बालकों को और अज्ञात संस्कृत वालों को भी सरलता से थोड़ा बहुत प्रयत्न से ही समझ में आ जाए, ऐसा स्तोत्र ग्रंथों की रचना करके और सिद्धांतार्थों को उसमें प्रतिपादन करके बहुत बड़ी कृपा किए हैं. उसमें हम वेगा सेतु स्तोत्र को देख रहे हैं. वेगा सेतु, वेगवती ऐसा जो सरस्वती नदी, सरस्वती जी हैं, वही वेगा, वेगा से वेग, वेगवती के रूप से बहुत तेजी से आई ब्रह्मा जी का यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, क्योंकि उनके बिना ही ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे जिसकी गुस्सा से. तो तब भगवान उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए बीच में सेतु के रूप से विराजमान रहे, जिसे ही हम वेगा सेतु भगवान के नाम से जानते हैं. और उस भगवान के बारे में एक छोटी सी स्तुति है, उसमें हम छठे श्लोक में हैं. श्लोक पढ़ता हूं, बाद में अर्थ देखेंगे. श्रीमान् पितामहवधू परिचर्यमाणः शेते भुजंग शयने समाभुजंग प्रत्यादिशन्ति भव संचरणं प्रजानां भक्तानुगन्तुरिहयस्य गतागतानि. श्रीमान् पितामहवधू परिचर्यमाणः श्रीमान् महाभुजंगः सः भुजंग शयने शेते, ऐसा हम अर्थ कर लेना. बहुत पहले पदच्छेद कर लेता हूं, बाद में हम अर्थ देख लेंगे. श्रीमान् पितामह वधू परिचर्यमाणः शेते भुजंग शयने सह महाभुजंग सह, ऐसा पदच्छेद करना, सह विसर्ग के साथ पदच्छेद करना. बाद में जब बोलते वक्त सह के बाद में रहने वाला विसर्ग चला जाएगा संधि रूल के हिसाब से, तब नहीं बोलने की जरूरत. शेते भुजंग शयने समाभुजंग बोलना, पदच्छेद करते वक्त सह, अर्थ समझते वक्त भी सहा वहां है ऐसा क्योंकि सा ऐसा एक पद है ही नहीं, संधि रूल के हिसाब से सा निकल जाता है, बस इतनी ही बात है. प्रत्यादिशन्ति भव संचरणम प्रजानाम भक्तानुगंतुहु इह यस्य गतागतानि, ऐसा पदच्छेद है. इसमें श्रीमान शब्द से नित्य योगे मतुब ऐसा मतु प्रत्यय आया है. श्रीमान शब्द में सदा के लिए लक्ष्मी जी के साथ ही विराजमान, नित्य संबंध है, वो सदा के लिए संबंध है, कभी थोड़ा छोड़ के रहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है. इसलिए श्रीमत शब्द में जो मतुब है वो नित्य योगे मतुब ऐसा वैयाकरण लोग कहते हैं. वो कैसे हैं श्रीमान, कौन है विष्णु, भगवान विष्णु ऐसा मतलब है. वो जो भगवती लक्ष्मी जी के साथ ही सदा विराजमान हैं, वे पितामह वधू परिचर्यमाण. अब क्या परिस्थिति है कि वेगा सेतु के रूप से जब भगवान प्रकट हुए, सरस्वती जी थोड़ा बहुत गुस्सा से कम हुई कि विष्णु भगवान साथ दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो हम क्या कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सरस्वती जी भगवान विष्णु की सेवा करने लगी, क्योंकि वो गुरु स्थान में हैं.
भले ब्रह्मा जी के लिए पत्नी के स्थान में होंगे, परंतु भगवान विष्णु के लिए वो तो बहु हैं। बहु केवल नहीं है कि ज्ञान प्रदान करने की वजह से उनको गुरु भी मानना विधि प्राप्त है। विधि प्राप्त है ना, विधि यानी भी ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के पत्नी होने के नाते विधि प्राप्त हुआ उनको, दोनों अर्थ में विधि प्राप्त यानी उनका उन उन, उन, उन उनकी जो विधि है अर्थात कर्माधीन, उनको ऐसी एक मौका मिला। सरस्वती जी भी कर्माधीन अपना जीवन चलाने वाले एक चेतन तत्व ही है ना, इसलिए यद्यपि हम वाग भू गौरी ये सब लक्ष्मी जी का ही एक अंश है ऐसा बताते हैं, परंतु ब्रह्मा जी की पत्नी होने की वजह से ब्रह्मा से लेकर सब लोग चेतन कोटि में आ जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की पत्नी होने की वजह से सरस्वती जी भी जीव कोटि में आ जाती है। और भगवान लक्ष्मी जी के साथ सदा विराजमान ऐसा कहने की वजह से दोनों मिलकर ही इस प्रपंच की सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि करते हैं, इसलिए दोनों मिलकर ही युगल देवता है, दोनों मिलकर ही हमारे लिए प्राप्य है और दोनों ही हमारे लिए वैकुंठ तक प्रापक भी हैं, अर्थात रास्ता दिखाने वाले भी वही हैं और वहां परम पार में दूसरे पार में अपार संसार के परम पार में प्राप्य भी वही हैं, वही भगवान और लक्ष्मी जी हैं जिनकी ही सेवा करना हमारे लिए स्वरूपतः प्राप्त है, परंतु ये चेतन उसे भूल कर और अपना संसार को कबूल कर इधर विराजमान है, इधर रह रहा है, भले कीचड़ में है तो भी कीड़े बहुत संतुष्ट रहते हैं वैसे हमारी परिस्थिति हो रही है। ये स्वस्वरूप ज्ञान नहीं है, हम वस्तुतः हमारा स्वरूप जो है वो अपहत पापमा विजरहा विमृत्युः विशोकः विजिगत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, ऐसा प्रजापति वाक्य उपनिषद में जिस प्रकार कहता है वैसा एकदम उत्तम स्वरूप है। हम भूल कर कहीं पथभ्रष्ट होकर पतितम माम अवलोकयाच्युत ऐसा जब यमुनाचार्य जी कहते हैं स्तोत्र रत्न में, उसी प्रकार हम भगवान से प्रार्थना कर बैठे हैं कि हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें आप उद्धार करो, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं, वो भी भगवान हमें उद्धार करने के लिए अर्चावतार के रूप में सब मंदिरों में सब दिव्य देशों में दिव्य स्थानों में विराजमान है। वैसे एक दिव्य देश ये भी है जहाँ शेते भुजंग शयने स महाभुजंग पितामह वधू परिचर्यमाण पितामह वधू पितामहस्य वधू अर्थात सरस्वती से परिचर्यमाण कैंकर्य किए जा रहे हैं, अर्थात भगवान विष्णु का कैंकर्य वो कर रही है। परिचर्या परिचरते धातु आत्मनेपदी है इसलिए परिचर्यमाण ऐसा शानच प्रत्यय आकर परिचर्यमाण उनसे परिचर्या की जाने वाले भगवान कहाँ शेते शेते यानी शयन कर रहे हैं, शयन स्वरूप में शयन शयन रूपी स्थिति में विराजमान हैं। शेते कहाँ शेते भुजंग शयने आदिशेष में, आदिशेष में भगवान शयन स्वरूप में विराजमान हैं इधर कांचीपुर क्षेत्र में। कौन है स महाभुजंग सह महाभुजंग अर्थात महाभुजंग का मतलब इस शब्द का अर्थ है कृष्णावतार याद कर लेना, और स्त्रियों के भुजों के बीच में विराजमान सदा के लिए महाभुजंग भुजं गच्छतीति भुजंग महांशासौ भुजंगश्च अर्थात अर्थात काम क्रीड़ा में बहुत ही उत्सुक भगवान श्री कृष्णावतार में षोडशस्त्री सहस्त्रे ऐसा षोडशस्त्री 16,000 स्त्रियों के साथ विराजमान रहे, उनके भुज में विराजमान रहे और वैसा महाभुजंग अत्र शेते भुजंग शयने शेते और वही है ये प्रत्यादिशंति भव संचरणम प्रजा, क्या कर रहे हैं इधर विराजमान होकर यस्य गतागतानि जिनका गमनागमन उत्सवादि समय में जिस भगवान जो भगवान उत्सव स्वरूपी बाहर निकलते हैं वीथी में
भक्तों को अनुग्रह करते हैं, फिर वापस आते हैं, वहां विराजमान रहते हैं। यस्य गतागतानि, जिस भगवान के गमनागमन इत्यादि, अर्थात कृष्णावतार में भी भगवान जब गमनागमन करते थे उसे देखने के लिए गोप स्त्रियां तड़प रहे थे। जिस भगवान को सुबह 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 गायों के साथ, गो बालकों के साथ गाय चराने के लिए जब वन प्रांत में निकलते थे, तब इनके प्राण भी साथ में जाता था। वो जब आते हैं उसका इंतजार करते रहे, एक तड़पन रही, भगवान को कुछ नहीं होना है और भगवान को इधर राक्षसों से कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, नुकसान नहीं होना है, इसलिए जैसे आते हैं वैसे वहां दूर से ही आंखें उनके ऊपर, भ्रमर जैसा जैसी परिस्थिति को पा लेता है, भगवान के चरणारविंद को देखने में लालायित उत्सुक रहते हैं। इससे गतागतानि, जिनका गमन और आगमन इत्यादि देखने लायक और अनुभव करने लायक और अपने प्राणों का भी प्राणदायक बन गया था, वैसे यहां भी भगवान गमनागमन इत्यादि से भक्त अनुगंतुहु, भक्तानुगंतुहु यानी भक्तों के पीछे जाने वाले, यानी यहाँ का भगवान आलवार जब यहाँ खड़े हो जाओ बोले तो खड़े हो गए, यहाँ विराजमान हो बोले विराजमान हो गए। इसलिए यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, भक्तानुगंतुहु, भक्तों को जिस प्रकार अनुसरण करते हैं वैसे ये भगवान गमनागमनों से प्रजानाम भव संचरणम प्रत्यादिशन्ति, अपने गमनागमनों से जनता यानी जन समूह, जनता शब्द में जो ताल ता प्रत्यय है, ता है तो तल प्रत्यय समझ लीजिए, वो प्रत्यय है, वो जन समूह को कहने वाला एक शब्द है। सो जनता प्रजानाम भव संचरणम प्रत्यादिशन्ति, इस संसार में गमनागमन को दूर कर देता है, अर्थात जिस भगवान का गमनागमन को दर्शन कर लें तो अपना गमनागमन रह जाता है, अर्थात फिर से ना हो ऐसी परिस्थिति बनती है। ऐसा इस भगवान वेगा से तो भगवान के बारे में वेदांत दिशिक जी, जिनका दर्शन, जिनका गमनागमनों का दर्शन करने से अपने संसार की गमनागमन, संसार का भी गमनागमन, संसार में फिर से आना और यहाँ से जाना और फिर से आना और फिर से जाना, आयति गमनागमन और प्रत्यादिशन्ति, उस वो जो गमनागमन हमारे गमनागमन को दूर कर देता है अर्थात रोक देता है। प्रत्यादिशन्ति का मतलब है, और आदेश प्रत्यादेश का मतलब रोकना, आदेश याने आज्ञा करना और प्रत्यादेश याने आज्ञा को रोक देना। भगवान पहले आज्ञा दिए हैं कि इनका गमनागमन अपने कर्म गति से हो, परंतु ये लोग मेरा गमनागमन देखकर आनंद कर लिए हैं तो इनका गमनागमन अभी प्रत्यादिष्ट हो का मतलब और वापस ले लिया जाए, ऐसा भगवान की इच्छा रहती है, जिसकी वजह से हमारा संसार में फिर से आगमन नहीं होता है कि इसी के लिए तो तड़प रहे हैं हम लोग सब कि फिर से हमारे लिए जन्म ना हो, जिसके लिए शास्त्र पठन करते हैं और ध्यान करते हैं, नित्य कर्मानुष्ठान करते हैं, जिसे अंग के रूप से नित्य कर्मानुष्ठान को भी करना पड़ता है, बाद में ध्यान करना पड़ता है, नहीं तो शरणागति का को अंतिम उपाय के रूप से हम माने हैं, इसलिए आजकल शरणागति कर लेते हैं, भगवान के शरणागति ही उत्तम और एक विद्या माना जाता है, न्यासः ऐसा न्यास विद्या है, उस विद्या के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के लिए हम तड़पन रखते हैं। और इस अर्चावतार में भगवान का गमनागमन को देखकर अपने गमनागमन को रोकने के लिए भी हम जानते हैं, अर्थात इतना सुंदर श्लोक है, इसे पादुका के बारे में भी कहते वक्त पादुका सहस्र में भी पादुका का गमनागमन को वर्णन करते हैं। वहां इस प्रकार अनेकत्र शास्त्र मर्यादा का अनुल्लंघन करके, अर्थात उल्लंघन नहीं करके, शास्त्र मर्यादा के आधार पर पांचरात्र इत्यादि आगम शास्त्रों को मानकर और आचार्य इस प्रकार के श्लोकों को अर्चावतार के रूप में विराजमान भगवान को स्तुति, भगवान की स्तुति के रूप में पेश करते हैं। फिर से हम लोग एक बार सुनेंगे इस श्लोक को। श्रीमान पितामहवधू परिचर्यमानः शेते भुजंग शयने समहाभुजंगः प्रत्यादिशन्ति भव संचरणं प्रजानाम् भक्तानुगन्तुरिह यस्य गतागतानि
श्रीमान पितामह वधू परिचर्यमानः सः महाभुजङ्गः इह भुजङ्गशयने शेते भक्तानुगन्तुः यस्य गतागतानि जिनका गमनागमन प्रजानां प्रजों का जनताओं का भवसंचरणं प्रत्यादशन्ति फिर से संसार में संचरण करने की एक विवशता को दूर कर देता है। और आनंद कर लीजिए इस श्लोक को, न केवल इस श्लोक का आनंद करना, एक बार कांचीपुरम क्षेत्र में जब आते हैं आप सब तब अवश्य इस भगवान का दर्शन करना, सेवा करना, यही बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रशमी दूसरा श्लोक देखेंगे। प्रशमितः यमेध व्यापदं पद्मयोनेः श्रितजन परतंत्रं शेषभोगेशयानं शरणमुपगतास्मः शान्तनिशेषदोषं शतमखमणिसेतुं शाश्वतं वेगवत्याः प्रशमित हयमेध व्यापदम्, एक पद है। प्रशमित हयमेध व्यापदम् पद्मयोनेः श्रितजन परतंत्रम्। कितना सुंदर सुंदर शब्द देखिए। शेष भोगे शयानम शरणम उपगताः स्मः, उपगता स्मः भी बोल सकते हैं, उपगताः स्मः ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों मिलकर ही एक एक क्रियापद का पद पद का जो अर्थ है उसे देता है। तो उपगता स्मः शांत निशेष दोषम शतमखमणि सेतुम शाश्वतम वेगवत्याः, सब शब्द परिचित जैसा लग रहा है देखिए, और थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करने से और अच्छी तरह परिचित हो जाएगी। प्रशमित शमन किया हुआ, हयमेध व्यापदम, हयमेध अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ के लिए जो आपत्ति आई सरस्वती जी के द्वारा जो आपत्ति आई उसे दूर करने वाले जो भगवान है। प्रशमित हयमेध व्यापदम पद्मयोनि है, प्रशमित हयमेध व्यापदम अर्थात पद्मयोनि यानी ब्रह्मा जी है, पद्मम योनि ही यस्य सह पद्मयोनि ही पद्म कमल जिनका उत्पत्ति स्थान बना वो भगवान पद्मयोनि तस्य पद्मयोने है भगवतः अर्थात पद्मयोनि रूपी जो भगवान है उनका हयमेध व्यापत्ति जो आई उसे दूर करने वाले जो भगवान श्रीतजन परतंत्र तम द्वितीय विभक्ति में है प्रशमित हयमेध व्यापदः भगवान तादृशं भगवंतम प्रशमित हयमेध व्यापदम भगवंतम वो कैसे हैं वो भगवान श्रीतजन परतंत्रम आश्रित जनता को रक्षण करने में विवश करना ही पड़ेगा ऐसी परतंत्रता है और सीता ये क्योंकि आश्रय कर लिए हैं शरणागति कर लिए हैं बोल दिए हैं एक बार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा के आधार पर मूल मंत्र और द्वय इत्यादि में इत्यादि को अनुसंधान करते हुए जिस व्यक्ति ने भगवान को अपने रक्षा भर को सौंप दिया है शरणम उपगत अर्थात शीतजन परतंत्रम ऐसे जनता को रक्षण करने में परतंत्र विवश भगवान कैसे कहां विराजमान है। शेष भोगे शयान तम शेष भोगे शयानम आदिशेष में जो शयन कर रहे हैं उनको शरणम उपगत स्मः उनको हम शरणागति कर रहे हैं उनके पास आ गए हैं। शांत निशेष दोषम जो एक भी दोष जिनके पास नहीं है वही भगवान हो सकते हैं। शांत निशेष दोष यस्य सह शांत निशेष दोष तम शांत निशेष दोषम शांता निशेष दोषा यस्य जिनका सब दोष प्रशमित है अर्थात पहले था ऐसा नहीं सोचना पहले से ही नहीं था ये अर्थ में शांत निशेष दोषम वैसे एक भी दोष जिनके पास उत्पन्न भी नहीं होता है और हमारी वजह से हमारे आत्मा होने की वजह से भगवान सर्वांतर आत्मा है हमारे में यह रहने वाला दोष उनके पास आ जाएगा क्या थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचे तो भी नहीं आएगा ऐसा मतलब है ये जैसे शरीर में रहने वाला दोष आत्मा को स्पर्श नहीं करता है
उसी प्रकार भगवान आत्मा है हम सब शरीर के लिए, इसलिए शरीर में रहने वाला दोष आत्मा को छूता भी नहीं है, अर्थात इसलिए शांत निश्चेष दोषम ये बोलना पड़ता है, क्योंकि ये शास्त्र मर्यादा है कि उभयलिंग भगवान उभयलिंग शब्द उभयलिंग विशिष्ट ऐसा कहा जाता है कि एक भी दोष नहीं है, सब गुण है, ऐसा दो दो विषय है, दो तत्व है भगवान में, उभयलिंग शब्द से बोलते हैं, जिनके पास एक भी दोष नहीं है और जिनके पास सब कल्याण गुण है वो भगवान है, ऐसा बोलने से वो उभयलिंगत्व विशिष्टत्व भगवान के लिए सिद्ध होता है। और शांत निशेष दोषम शतमखमणि सेतुम, शतमखमणि सेतुम ये कैसे विराजमान है, एक एक इंद्रनील रत्न के समान विराजमान है, शतमखा यानी इंद्र है, उसका जो मणि है शतमख मणि है, इंद्रनील मणि बोलते हैं, क्षीर मध्ये क्षिपेन नीलम, नीलम चेत क्षीरताम्रज, क्षीरम चेत नीलताम्रजेत, इंद्रनीलस्य विज्ञेयः, ऐसा रत्न शास्त्र कहता है, रत्न रत्न परीक्षा करके ग्रंथ है, हम रत्न परीक्षा रत्नों की परीक्षा करके ही तो खरीदना है ना, और कितने दुकानों में ऐसे ही लेके आ जाते हैं, सोडा बाटल से भी बना देते हैं ग्रीन वाला पत्थर, ग्रीन वाला पत्थर आजकल सोडा बाटल से बनता है ऐसे ऐसे पत्थर को क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिखता ही नहीं है कि ये वस्तुतः किससे बनी है, तो ऐसी हालत में रत्न परीक्षा करना बहुत जरूरी है। हम भगवान की जो परीक्षा भी वेदांत शास्त्रों में करके ही स्वीकार किए हैं, हम भगवान को भी परीक्षा करके बिना छोड़ते नहीं है कि वस्तुतः ये भगवान विराजमान है या नहीं, ये उपादान कारण है या निमित्त कारण मात्र है, या निमित्त उपादान कारण दोनों है, अर्थात हम अंत में निमित्त उपादान कारण दोनों भगवान को ही माने हैं, अर्थात निमित्त कारण जाने क्या है, उपादान कारण जाने, ये सब ग्रेजुअली आप लोग सीख लेंगे। और घट के लिए निमित्त कारण जो है वो कुलाल है या पाटर है, और उपादान कारण जो है वो मिट्टी है, जो ही जिस रूप से परिणत होता है, घट रूप से परिणत होता है वो उपादान कारण कहलाया जाता है, और जो जो उसके लिए बनने में कई लोगों की कई चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब निमित्त कारण होता है, परंतु भगवान इस जगत के लिए निमित्त भी है उपादान भी है, क्योंकि खुद ही स्वयं बहुश्याम प्रजाए यह करके मैं ही अनेक बनूं ऐसा बने हैं, इसलिए वही उपादान कारण है, और इच्छा उनकी ही थी कि सृष्टि करें, इसलिए स्वयं बहुभवन बहुरूप से हो जाएं, ऐसी इच्छा जिनको थी, संकल्प जिसमें थी, वो कुलाल के जिस प्रकार घट करने का संकल्प होता है, इच्छा होती है, उसी प्रकार भगवान निमित्त कारण भी होते हैं, ऐसा हम शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं वो भगवान, और ऐसा निमित्त और उपादान कारण बनेंगे तो सब दोष उनमें आ जाएगा, मिट्टी में रहने वाला ही तो दोष घट में आता है, घट में जो दोष है दुर्गंध आता है तो मिट्टी में दुर्गंध था, ऐसा ही तो मतलब है, अभी तो दुनिया में तो सब लोगों में हमारे में दोष दिखता है, अगर उपादान कारण भगवान बनेंगे तो उनमें भी दोष होगा, हुआ होगा तभी तो हमें हम में आया होगा, ऐसे ऐसे लोग प्रश्न कर बैठते हैं ना, उन लोगों को उत्तर देने के लिए उनका उभयलिंगत्व अवश्य स्वीकृत हुआ है, ऐसा ऐसा परीक्षा करके ही हम भगवान को भी स्वीकार किए हैं, और रत्न को कैसे परीक्षा नहीं करेंगे, शतमखमणि नीलम, शतमखमणि जैसा इंद्रमणि, इंद्रनील जैसा बहुत बहुत सुंदर हैं, अर्थात मैंने एक श्लोक बीच में बोला जिसका अर्थ नहीं बोला, और अब आपने रत्न को अर्थात इंद्रनील रत्न को अगर दूध में डाल दें, दूध अगर ब्लू हो जाता है तो उसे इंद्रनील समझना, इस चीज को सुन लिया था एक सोनार, सोनार ने क्या किया, एक ब्लू रंग चढ़ाकर उसको दूध में डालकर उसको परीक्षा करके दिखाया, तो बाद में मैं अक्सर कहता हूं उस दूध से ब्लू को निकाल दो तो दूध सफेद रहना चाहिए, अगर ब्लू हो जाए तो ये इसको समझ लेना कि ये गलत किया है, अर्थात जिसके कारण वो हुआ है ब्लू उसको निकाल दे तो ब्लू नहीं रहना चाहिए ना, वो तो और ओरिजिनल है, तो और इसलिए हम रत्न परीक्षा ऐसे करना है कि केवल डाल के देखना, हाँ ब्लू हो गया, हाँ यार सुपर है, ऐसा करके लाख रुपया देकर उसे खरीद के नहीं लाना। और विजय राघवन जी भी बोले हैं ब्लू होना चाहिए, ऐसा समझकर कोई ना कोई खरीदना लेना और तुरंत निकाल के देखना, वो दूध सफेद ही रहना चाहिए, ब्लू नहीं रहना चाहिए, और ये रत्न परीक्षा है। शतमखमणि से तुम शाश्वतम, और ये शतमखमणि जैसा एकदम सुंदर सेतु के बीच में विराजमान ये मणि है, रत्न है,
और वो शाश्वत रत्न है वेगवती के लिए, सरस्वती जी के लिए, कंठाभरण जैसे। सरस्वती जी सरस्वती कंठाभरण में एक ग्रंथ भी है, सरस्वती नदी के लिए कंठाभूषण जैसे वहां इंद्रनील के रूप में विराजमान एक सुंदर आभूषण है, ऐसा इस श्लोक में प्रतिपादन करते हैं। पद्मयोने ही प्रशमित यमेधव्या पदम शीतजन परतंत्र शांतनिशेष दोषम शेष भोगे शयानम वेगवत्या शाश्वतम शतमणि शतमकमणि सेतुम शरणम उपगता महा वी। उनके चरणारविंद में हम अपना आत्मभार को सौंपते हैं। आत्मा को रक्षण करने का भार हमारे पास नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी हालत में अकिंचन अनन्य गति तो शब्द का उपयोग करते हैं। अकिंचन अनन्य गति ही शरण्यः तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अकिंचनत्वम अनन्य गतित्वम यानी और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है मुझे खुद को रक्षण करने के लिए, ये भावना शरणागति में मुख्य है। वैसे ही एक और एक भावना भी मुख्य है कि मैं दूसरी गति नहीं है मेरे पास, मेरे पास भी कुछ नहीं है और कोई मुझे रक्षण करने वाला भी नहीं है। ये दोनों भावनाओं के साथ और अर्पण करें तो जरूर भगवान स्वीकार करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम हमारे आचार्य ढूंढ निकाले हैं शास्त्रों में और उसको इधर शरणागति को इधर करते हैं। उस भगवान के पास शरणम उपगतास्मः ऐसा शब्द से शरणागति की प्रार्थना की गई है और बहुत सुंदर श्लोक है। और फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग भी इसे अर्थों अर्थ अवगमन करके अर्थानुसंधान के साथ जरूर पढ़ें। ऐसी प्रार्थना है, प्रशमित यमेधव्यापदम पद्मयोनेः श्रितजन परतंत्रम शेष भोगे शयानम शरणमुपगतास्मः शांतनिशेष दोषम शतमखमणि सेतुम शाश्वतम वेगवत्याः। शरणागति तो कर लिए हैं भाई, वो क्या करेंगे, हमें इस आत्म वस्तु को क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न हो तो आगे का श्लोक उसका विवरण देता है। शरणम उपगतानां सोयमादेशकारी शमयति परितापं सम्मुख सर्वजन्तो होम शतगुण परिणामः सन्निधौ यस्य नित्यं वर वितरण भूमा वारणाद्रीश्वरस्य। शरणम उपगतानां सह अयम् आदेशकारी शमयति परितापं सम्मुखः सर्वजन्तोः शतगुण परिणामः सन्निधौ यस्य नित्यं वरवितरण भूमा वारणाद्रीश्वरस्य। ऐसा पदच्छेद है। श्लोक बोलने के लिए कितना आनंद आता है। आप किसी बिजनेस में भी हैं तो भी बिजनेस में बैठे बैठे आराम से श्लोक को बोलते रहेंगे तो ये छोटी छोटी मोटी रत्न बेचना छोड़कर बड़ा रत्न बेचना शुरू कर देंगे, जो भगवान भगवत भगवत रूपी रत्नों को आप आसपास बांटना शुरू कर देंगे। इतना सुंदर श्लोक है कि भले आप रत्न व्यापारी भी होंगे तो भी रत्न व्यापार करना छोड़कर, ये तो ठीक है पड़ा रहता है बहुत है जिसके बारे में हम अंतरात्मा से जानते हैं जैसा है वैसा है, परंतु ये रत्न तो हम अमूल्य है, ऐसा इस रत्न को हम सब लोगों को बांटेंगे। क्या है, इसमें पैसा भी लेना नहीं पड़ता है, पैसा देना भी नहीं पड़ता है कि आराम से, क्योंकि आप 10,000 में खरीद कर ही तो लाख में बेचना पड़ता है। इसे न तो 10,000 में लेने की जरूरत है, लाख में बेचने की जरूरत है। आराम से हम लोग इस प्रकार के श्लोकों को अपने भक्तों को, अपने आश्रित जनों को, अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को बांट सकते हैं। ऐसा रत्न है हमारे पास अनोखा, जो इस वेगा सेतु के नाम से प्रसिद्ध है कांचीपुर क्षेत्र में। अवश्य जरूर पधार के यहाँ दर्शन भी करना, इन श्लोकों को वहाँ भगवान के सामने सम्मुख बैठकर बोलना भी है। सम्मुख यानी सामने बैठकर, इधर में सम्मुख शब्द आता है इस श्लोक में भी, शायद इसलिए मुझे याद आया है। शरणम उपगतानां सह अयम् आदेशकारी भवति। शरणम उपगतानां, इस प्रकार पूर्वोक्त श्लोक में जिस प्रकार शरणागति की गई है और मैंने जिस प्रकार अन्य अनन्य गतित्व और अकिंचन अनन्य गति ही ऐसा जो अपना अपना स्वरूप को समझकर सौंपना है भगवान को,
वैसा समा सम, भगवान को सौंप दें तो उन चेतनों को आदेशकारी उनको आदेश करते हैं कि इस प्रकार रहो इस प्रकार नहीं रहो। ऐसा सहायम उस प्रकार का ये भगवान सर्वजंतो हो सम्मुख सभी जनता के सामने परितापम शमयति सम्मुख सम्मुख होकर अपने अपने कष्टों को दूर करते हैं। अपने कष्टों को कहाँ निवेदन करें, मनुष्यों के सामने निवेदन करें तो मनुष्य तो मजाक उड़ाता है, और किसी के पास जाकर हम अपने तकलीफ को देंगे कहेंगे एक न एक दिन वो मजाक उड़ाता है, उसे अच्छा है भगवान के सामने बोलो। सम्मुख परितापम शमयति वो क्या करते हैं, एक बार शरणागति कर लें वो भगवान स्वयं सामने आकर उनका कष्टों को दूर करते हैं। मुझे मन लगता है कि आज जाके दर्शन करके आऊं। सम्मुख परितापम शमयति क्योंकि अपने पास भी तो बहुत सारे तकलीफ ताप होंगे, तापत्रय के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है ना। परितापम शमयति वो भगवान इन परितापों को हृदय में रहने वाला तापों को शरीर में रहने वाला तापों को आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक ऐसा तापों को तीन प्रकार कहते हैं उन देवताओं से जनित जनित और अपने ही आत्मा से स्वयं सोच सोच कर विचार करके जिस ताप में रहते हैं और शारीरिक जो ताप है इन तीनों से भगवान दूर करते हैं। शमयति यस्य सन्निधौ जिनके सान्निध्य में जिस भगवान के सान्निध्य में रहने की वजह से वारणाद्रीश्वरस्य और वारणाद्रीश्वर यानि हस्तगिरी में विराजमान भगवान श्री वरदराज भगवान के लिए वर वितरण भूमा और इन इस भगवान के साथ पास रह से वेगा से तू भगवान के साथ रहने की वजह से ही और ये भगवान वरदराज भगवान को भी अत्यधिक फल प्रदान शक्ति बढ़ती है। ऐसा वरंग वर दहा वरान ददाती वर दहा वर वितरणम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूंस ऐसा सब लोगों को वर प्रदान करने की शक्ति भगवान वरदराज के लिए भी नित्यम शतगुण गुण परिणाम भवती सदा के लिए सौ गुणा बढ़ता हुआ रहता है जिस भगवान के सान्निध्य में रहने की वजह से वरदराज भगवान को भी वर प्रदान करने की शक्ति सौ गुणा बढ़ता जाता है। हर दिन बढ़के बढ़के वर कोटि में पहुंच गया है और कोटि कामम कोटि गुणम भवान इधर इधर कुछ भी दान करें तो कोटि पुण्य लब प्राप्त होता है ऐसा कहते हैं। तो इस श्लोक को फिर से पढ़ेंगे और अन्वय भी एक बार बोल दूंगा। शरणम उपगतानां सोयम आदेशकारी शमयति परितापम सम्मुखः सर्वजन्तोः शतगुण परिणामः सन्निधौ यस्य नित्यं वर वितरण भूमा वारणाद्रीश्वरस्य शरणम उपगतानां आदेशकारी सः अयम् सर्वजन्तोः सम्मुखः परितापम शमयति एक बार शरणागति कर ले स्वयं सामने आ जाते हैं सम्मुख होकर परितापों को दूर करते हैं। यस्य सन्निधौ जिसके सान्निध्य में रहने की वजह से भगवान वरदराज भगवान को एक किलोमीटर भी नहीं है दूर सही सान्निध्य में रहते हैं वरदराज भगवान को भी वारणाद्रीश्वरस्य वर वितरण भूमा वर प्रदान करने की शक्ति नित्यम शतगुण परिणाम भवति हर दिन सौ सौ गुणा बढ़ता जा रहा है ऐसा इस श्लोक में इस भगवान की महिमा का गान करते हुए अब नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। कांची भाग्यम कमल निलया चेतसोभीष्ट सिद्धिम कल्याणानाम निधि रविकलह कोपिकारुण्य राशि पुण्यानाम नः परिणति रसौ भूषयन् भोगिशय्यां वेगा सेतुः जयति विपुलो विश्वरक्षैकहेतुः। फिर से पढ़ते हैं एक दो बार तो आप लोग इसे सुनते रहें और न केवल सुनते रहें कि कंठस्थ भी करें अर्थानुसंधान करें और श्लोक को एक बार आकर इस भगवान के सान्निधि में बोलें ये मेरी इच्छा है। कांची भाग्यम कमलनियता कमलनिलया चेतसोभीष्ट सिद्धिः कल्याणानां निधिरविकलः कोपिकारुण्यराशिः पुण्यानां नः परिणतिरसौ भूषयन् भोगिशय्यां वेगासेतुः जयति वेगासेतुर्जयति विपुलो विश्वरक्षैकहेतुः।
कांची भाग्यम कमलनिलया चेतसः अभीष्ट सिद्धिः कल्याणानां निधिः अविकलः कोपिकः अपि कोपी कोपी एक कोपी एक शब्द के रूप से भी मालूम समझ सकते हैं। कारुण्य राशि ही पुण्यानां नः परिणति ही असौ भूषयन् भोगिशय्यां वेगासेतुः जयति विपुलः विश्वरक्षैक हेतुः। ऐसा पदों का छेद है। कांची भाग्यम और ये कांची का भाग्य ही एक स्वरूप लेकर आया हो तो कैसे रहेगा, वैसा एक भगवान विराजमान है। कांची नगर संपूर्ण कांची नगर जो पुण्य किया है उसी का परिपक्व फल है ये भगवान, ऐसा इस श्लोक का मतलब है। कांची भाग्यम कमल निलया चेतसा अभीष्ट सिद्धि ही, लक्ष्मी जी का अभीष्ट का सिद्धि का स्वरूप है ये कांची, ना के नॉट ओनली कांची नगरी वासियों का भाग्य है ये, अपितु लक्ष्मी जी का मन में जो अभीष्ट था उसका सिद्धि स्वरूपी भी यही है भगवान। सब लोगों को रक्षण करें, सब लोगों को सेतु बनकर रक्षण करें, यही इच्छा थी लक्ष्मी जी का प्रारंभ से लेकर। अनुग्रहीक स्वरूपिणी है, अनुग्रहीक रूपाम ऐसा कहते हैं, अनुग्रह के बिना उनके पास निग्रह कैसा ये कहे ही नहीं। सब लोगों को अपना बनाना, किसी को निग्रह नहीं करना, और भले रावण भी हो तो अनुग्रह बुद्धि ही है। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि, अगर जीना चाहते तो उससे फ्रेंडशिप तो कर लो, कम से कम दास भावना तो दूर रहे। दास तो नहीं बनना, तू भी बहुत बड़ा है, खुद को मानता भी है बड़ा, वस्तुतः है भी, इतना ज्ञान है तुम्हारे पास, तो कम से कम उससे फ्रेंडशिप तो बनेगा। ऐसी चीज सीता स्वरूपिणी लक्ष्मी रावण को बताती है, इसलिए अनुग्रह एक बुद्धि है। और चेतसः अभीष्ट सिद्धि ही, उनका उनका चेतस में मन में रहने वाली भावना क्या है, सब पूर्ण संपूर्ण जनता का रक्षण करना है, सब लोगों को मोक्ष में ले लेना है, उसका अभीष्ट सिद्धि का स्वरूप भी यही है भगवान वेगा से। तो भगवान न पुण्यानाम परिणति ही, हमारा पुण्यों का परिणय परिणति है, वो एक परिपक्व है स्थिति है। और वो कांची भाग्यम शब्द से कांची का भाग्य बताए, नगरी का भाग्य बताए, यहाँ नहा पुण्यानाम परिणति, हमारे पुण्यों का एक परिणाम स्वरूप है यानी रिजल्ट है। कल्याणानाम अविकल निधि, सभी प्रकार के मंगलों का आश्रय स्थान है, सभी प्रकार के मंगल इनके आश्रित रहते हैं, अर्थात सब कल्याण गुण भूयिष्ट है। अविकला यानी कहीं थोड़ी सी भी कमी नहीं है, ऐसा एक प्रकार के बहुत बड़े निधि हैं यानी खजाना है। कारुण्य राशि ही, करुणा का एक इकट्ठा हुआ करुणा का स्वरूप है। और विश्वरक्षैक हेतु, विश्वरक्षण करना मात्र एक ही हेतु के रूप से इनका है। कोपी विपुलः असौ वेगा सेतु, बहुत बड़ा एक वेगा सेतु है, वेगा नदी के बीच में बनी हुई सेतु है। भोगिशय्याम भूषयन जयति, और आदिशेष के ऊपर विराजमान है इधर, ऐसा कांची भाग्यम कमलनलया चेतसः अभीष्ट सिद्धि कल्याणानां निधिरविकलः कोपिकारुण्य राशि पुण्यानां नः परिणतिः असौ भूषयन् भोगिशय्यां वेगासेतुर्जयति विपुलो विश्वरक्षैक हेतुः। वेगासेतोरिदं स्तोत्रं वेंकटेशेन निर्मितं, ये पठन्ति जनास्तेषां यथोक्तं कुरुते हरिः। वेगासेतु भगवान के बारे में वेंकटेश रूपी जो वेदांत देशिक जी से निर्मित स्तोत्र को जो कोई भी पढ़ते हैं, यथोक्तम कुरुते हरि ही, वो जैसा वैसे ही करते हैं, जैसा वो कहते हैं अभय प्रदान करूंगा, ऐसा जो सर्व द्वय चरम श्लोक में बताए हैं सर्वधर्मान परित्यज्य में, उसी प्रकार यथोक्तम कुरुते हरि ही, जैसे हैं वैसे ही करते हैं, ऐसा फलश्रुति के साथ समाप्त होता है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दर्शन।